वो क्लास अभी देखिए एक्सरसाइज 16 उसके बच्चे के पार्ट्स को तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड बेटा इसके दो मेथड है मैं दोनों मेथड आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमें डिवाइड करना है 68.3 को। एक मेथड ये है जो आप लोग करते हैं इस तरह से ठीक है 10 को 68.34 के साथ हमें डिवाइड करना होता है। एक मेथड ये है और एक मेथड बेटा आपके ये डायरेक्ट है जो हम बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10, 100, 1000 इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे तो हम इसे बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 68.34 ये बेटा इसे हमें पॉइंट लगाना है ठीक है डेसिमल। अब आपके पास जितने भी वन के बाद जितने भी जीरोज होंगे हमें उस जीरोज को पास करना है। यहाँ पे कितने जीरो हैं 10 तो देखिए बेटा पॉइंट के फिर हम एक डिजिट पहले आएंगे 10 मतलब 1 प्लेस पहले आएंगे मतलब यहाँ पे पॉइंट हमारे यहाँ था तो ये पॉइंट यहाँ से रिप्लेस होके इस प्लेस पे आ जाएगा। इसका आंसर होगा 6.834 ये हो गया इसका आंसर क्लियर। इसी तरह से इसका आंसर होगा 1.274 इसमें कहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ देखिए इसमें 2 प्लेस के बाद पॉइंट 0 है तो 2 0 है तो यहाँ पे 2 प्लेस पॉइंट हमारा यहाँ था तो 1 2 लेफ्ट साइड पे हम 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे ठीक है। तो ये हो गया इसका क्लियर बेटा। आइए मैं इससे डिवाइड करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए बेटा 10 का टेबल हम 10 से डिवाइड करते हैं 10 का टेबल 68 में कितनी टाइम 6 टाइम 10 6 60 माइनस किया हमने 8 आया उस पर पॉइंट है यहाँ तो पॉइंट हमारा ऊपर चला गया यहाँ पर हमने नेक्स्ट डिजिट को कॉपी डाउन कर दिया तो ये हो गया 83। अब 10 का टेबल 83 में कितनी टाइम जाएगा 10 का टेबल 8 टाइम जाएगा 10 8 का 18 माइनस किया हमने 3 ये 0 फिर नेक्स्ट डिजिट कॉपी डाउन 4 10 का टेबल 34 में 3 9 30 माइनस करने पे 4 पॉइंट बेटा यहाँ ऑलरेडी लाता है तो क्या बढ़ा देंगे सिर्फ 0 तो 10 का टेबल 4 में हो भी जाए 4 टाइम तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 0 तो ये आपको सॉल्व किया। देखिए बेटा हमारा 6.834 और हमने बिना सॉल्व किए भी आंसर लिखा था 6.834 तो इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है डिवाइड तो ये आपको इस मेथड से डिवाइड करना होगा ठीक है। जितने हमारे पास लगे टाइम है ना 100 है ना 1000 है कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट इस मेथड से करना है। तो आइए देखते हैं स्कोर को हमें डिवाइड करना है 12.344 से तो सबसे पहले 4 का टेबल 12 में हमने टाइम 4 सीधा 12 हमने माइनस किया 0 0 अब यहाँ पे देखो बेटा पॉइंट है तो हमने यहाँ ऊपर भी पॉइंट लगा दिया अपने क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ कॉपी डाउन की 3 4 का टेबल 3 में नहीं जाता है तो हमने यहाँ ऊपर 0 बना के फिर नेक्स्ट डिजिट कॉपी डाउन कर दिया तो कितना हो गया 34 तो 4 का टेबल 34 में कितनी टाइम जाएगा 8 9 4 8 10 32 माइनस किया हमने 2 आया फिर नेक्स्ट डिजिट कॉपी डाउन किया तो 4 का टेबल 24 में 4 9 6 9 माइनस करने पे 0 बट इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 3.086 ये हो गया इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हमें इस तरह से सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर इजी लगता है तो ये मेथड यूज करिए अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्लियर है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है सो ये आपको खुद से ट्राई करिए। सारे क्वेश्चन में आपको डिवाइड ही करना है और क्वेश्चन नंबर 9 आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग